तो चलिए हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो आप सभी को पता है भैया रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी कि अपने अंदर से जो करंट फ्लो कर रहा है उसको रोकें, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करें, मतलब इट इज दी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल टू ऑब्स्ट्रक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करने की प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसका सिंबल होता है R और फॉर्मूला इसका, जैसे मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर है, कोई मटेरियल भी चलेगा, कंडक्टर हो, सेमी कंडक्टर हो, इंसुलेटर, और इसके एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा दें V। ठीक है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इधर प्लस हो गया इधर माइनस, तो बच्चों करंट ऐसे फ्लो करेगा। मान लेते हैं करंट फ्लो किया आज, तो अगर मैं इस कंडक्टर का या इस मटेरियल का रेजिस्टेंस पूछूं तो रेजिस्टेंस होगा रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट, ऑलवेज। यही डेफिनेशन है रेजिस्टेंस की, याद रखिएगा, डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑलवेज, हमेशा यही डेफिनेशन होगी वी अपॉन आई। वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे, या डेल्टा भी लिखा हो, वी पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे अगर आई करंट फ्लो किया तो रेशियो ऑफ वी बाई आई इज रेजिस्टेंस। इसको कई बच्चे ओम्स लॉ से कंफ्यूज करते हैं, वो अलग चीज है, आगे आएगा ओम्स लॉ अपकमिंग लेक्चर्स में। ओम्स लॉ में क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो आप बोलते हो V इज इक्वल्स टू आई आर, वेयर आर इज अ कांस्टेंट, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। ऐसा जरूरी थोड़ी ना रेजिस्टेंस वेरिएबल भी होता है, ऐसी ऐसी डिवाइस है जिनका रेजिस्टेंस चेंज होता है, तो उनका रेजिस्टेंस निकालने का भी एक ही तरीका है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे देखो उनके एंड के अक्रॉस क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और उस समय क्या करंट फ्लो कर रहा है रख दो, आर इज इक्वल्स टू वी बाई आई। ठीक है, ओम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता, ओम्स लॉ के हिसाब से तो आर कैसा होना चाहिए, आर कांस्टेंट होना चाहिए, तभी तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई लिखेंगे, बट ओम्स लॉ हमेशा वैलिड नहीं होता है ना, इसका मतलब रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये चीज ऑलवेज ट्रू नहीं होगी, बट दिस डेफिनेशन विल ऑलवेज बी ट्रू। ठीक है, हो सकता हो प्रोपोर्शनलिटी चेंज, हो सकता हो रेजिस्टेंस कांस्टेंट ना हो। अच्छा, यहां से ये बताओ यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ऊपर वी तो वी किस में होता है, वोल्ट में, नीचे आई, आई किस में होता है, एम्पियर में, वोल्ट पर एम्पियर को हम कहते हैं ओम, ओम 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 ओम, और ये सिंबल बनाते हैं इसका, ओम 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 ओम, है ना, जादू बोलते थे ना, ओम ओम ओम,